हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्यूटी ब्लॉग्स। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए ऐसा मास्क लेके आई हूँ जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी, और डार्क सर्कल्स जिसको भी है या मतलब बहुत ज़्यादा डल स्किन हो गई है, स्किन ग्लो नहीं कर रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट हाँ, आपको ये मास्क 1 वीक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि दिवाली भी आ रही है, तो कौन नहीं चाहता कि हमारी स्किन ग्लो करे, हम ज़्यादा अच्छे दिखें, और ये डेली यूज़ करने में बहुत अच्छा मास्क है। तो चलिए गाइस, रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं लूँगी एलोवेरा जेल, और जितना भी इसका येलो पार्ट है वो जहर होता है, उसको मैंने डैप डैप करके निकाल लिया है। देन उसके बाद मैं कॉफ़ी का एक पाउच लूँगी, मास्क बनाने के लिए एक कॉफ़ी का पाउच काफ़ी है। देन मैं एलोवेरा जेल की जो ऊपर की परत है उसे निकाल के सारा एलोवेरा जेल जो है निकाल लूँगी कटोरी में, और उसके अंदर मैं कॉफ़ी का जो है पाउडर डाल के इन दोनों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और एक चम्मच जो है वाटर ऐड कर लूँगी इसके अंदर। देन इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको दिख रही होगी गाइस, और कॉफ़ी का जो यूज़ है हमें करना चाहिए अपनी स्किन के लिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि कॉफ़ी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो रिमूव करते हैं फ्री रेडिकल्स को, और गाइस हमारी डैमेज स्किन सेल्स को ठीक करते हैं, और गाइस एक्ने से भी हमें छुटकारा दिलाती है कॉफ़ी और एलोवेरा जेल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलोवेरा जेल भी हमारे फेस को हाइड्रेटिंग करने के लिए यूज़ करती है। तो गाइस, मैंने अपने फेस को के ऊपर ये मास्क जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए गाइस, किस तरीके से मैं अपने फेस के ऊपर मास्क को लगा रही हूँ। और गाइस, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है स्किन, जैसे डार्क सर्कल्स हैं, एक्ने हैं, और भी जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये मास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एलोवेरा जेल भी हमारे फेस को जो है मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेटिंग रखता है, और कॉफ़ी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। गाइस, कॉफ़ी जो मास्क लगाने से हमारे फेस के जो डार्क स्पॉट्स है, फाइन लाइन्स है, रेडनेस है, इसकी इन समस्याओं से भी हमें छुटकारा मिलता है। सो गाइस, कॉफ़ी के भी बहुत सारे यूजेज हैं, और गाइस अपने फेस के ऊपर इस फेस पैक को अच्छे से लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए, क्योंकि जितना आप मसाज करेंगे उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। क्योंकि गाइस, आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग बिजी हो जाते हैं, हम अपने स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, और गाइस हमें जो है रात रात में नींद भी नहीं आती है, तो जिसकी वजह से हमारे फेस पे मोस्टली जो है डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो उससे हमें जो है छुटकारा पाने के लिए गाइस ये आप जो है रेमेडी यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो डल स्किन है उस पर भी ग्लो आएगा। और गाइस देखिए, मैं जिस तरीके से मसाज कर रही हूँ आपको भी उस तरीके से मसाज करनी है। देखिए गाइस, अच्छे से पहले तो उसे अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पर। देखिए गाइस, मैं किस तरीके से इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, अच्छे से मसाज कर रही हूँ, सारा जो पेस्ट है मैंने लगा लिया है। देन जहाँ पे डार्क सर्कल्स, डल स्किन और ब्लैक हेड्स की और एक्ने की जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे अच्छे से मैं अपने पूरे फेस पे मसाज करूँगी। जितनी ज़्यादा मसाज करूँगी उतने ज़्यादा मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे गाइस, और इस पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको अपने हिसाब से रखनी है। तो देखिए गाइस, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी भी मीडियम रखी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दी, और अच्छे से इसको दोनों हाथों से मसाज कीजिए जैसे हम फेशियल के करते हैं। तो देखिए गाइस, ये बहुत ही जो है इस चीप, मतलब आप इसे कह सकते हैं, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे फेशियल से, तो ये बहुत ही जो है सस्ता है, चीप है, तो आप यूज़ कीजिए गाइस। कॉफ़ी भी ज़्यादा महंगी नहीं आती, आप कोई भी आप सेशन लीजिए, और एलोवेरा जेल आप ब्रांड का भी किसी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे घर में तो ऑलरेडी इसका प्लांट है, तो मैं प्लांट की ही जो लीफ लेती हूँ और इसी का यूज़ करती हूँ। देखिए गाइस, कितने अच्छे से मैं अपने डार्क सर्कल्स जहाँ पे हैं वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, अपने नोज़ एरिया और लिप्स वगैरह, अपने फोरहेड पे भी इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि इसके रिजल्ट्स अच्छे से मुझे देखने को मिले। गाइस, अच्छे से अप्लाई करूँगी, मसाज करूँगी इसके 10-15 मिनट के लिए, देन उसके बाद मैं इसे 30 मिनट्स के लिए और छोड़ दूँगी, जब तक कॉफ़ी जो है हमारा जो फेस पैक है पूरा सूख जाएगा। तो देखिए गाइस, पहले मैं इसे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, और हमें ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो है कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। गाइस, मैंने इसे अपनी नेक पे भी अप्लाई किया है, देखिए गाइस। देन अब मैं अपने फेस को वॉश कर लिया है, देखिए गाइस 30 मिनट्स के बाद मैंने अपने फेस को वॉश किया है, एंड देखिए गाइस, वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। एंड देन उसके बाद आप कोई भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। देखिए गाइस, अगर विंटर का टाइम है तो गाइस ऑब्वियसली जो हमारा फेस है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। तो मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वो बायोटिक का यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसके ऊपर लगा लिया, अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। तो गाइस देखिए, मैं इसे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, मसाज मैंने अच्छे से कर लिया, और गाइस मुझे बहुत अच्छा
लग रहा है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। और मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। देखिए गाइस, तो गाइस ये था आज का ट्यूटोरियल। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।